देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता कानून संशोधन को लेकर शुरू हुए बवाल से उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में से जारी हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में आज मंगलवार भी पत्थरबाजी हुई। दिल्ली का मौजपुर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। जफराबाद रोड, भजनपुरा और मौजपुर में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस हिंसा को रोकने आई पुलिस के डीसीपी समेत कई कर्मचारी घायल हो गए और एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। दिल्ली हिंसा में अब तक मरने वाले 9 लोगों में हेड कांस्टेबल रतनलाल भी शामिल हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे और इलाके के 5 मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। नागरिकता कानून संशोधन को लेकर शुरू हुआ बवाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब खतरनाक मंजर अख्तियार करता जा रहा है। कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई, कहीं दुकानों को आग के हवाले किया गया तो कहीं पुलिस के सामने ही शख्स गोली दागता दिखा। सुलगती उत्तर पूर्वी दिल्ली में हंगामे और बवाल की वजह से पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स भी भारी तैनाती की गई है। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों के सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इलाके के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा में अब तक 135 लोग घायल हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात तनावपूर्ण है। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। मंगलवार सुबह सुबह 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं देर रात से सुबह तक मौजपुर और उसके आसपास के इलाकों में आगजनी के 45 कॉल आए, जिसमें दमकल की एक गाड़ी पर पथराव किया गया, जबकि एक दमकल की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। ये डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। फोर्स अभी एडिक्वेट है और सब जगह जो है एक्शन ले रहे हैं। अभी तक जो डेथ काउंट है, एक तो पुलिस वाले की है और सिविलियंस की अभी तक 6 है, यानी टोटल 7 जी। दिल्ली हिंसा में मारे गए कांस्टेबल रतनलाल बुखार होने के बाद भी ड्यूटी कर रहे थे। पत्नी को टीवी से मौत की खबर मिली। रतनलाल हेड कांस्टेबल मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे। वह दिल्ली पुलिस में साल 1998 में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गोकुलपुरी सब डिविजन के ACP अनुज के ऑफिस में थी। रतनलाल के बारे में जानकारी मिली है कि वह सोमवार को बुखार होने के बावजूद भी ड्यूटी पर थे। उनके परिवार में 12 साल की बेटी सिद्धि, 10 साल की बेटी कनक और 7 साल का बेटा राम है। रतनलाल की पत्नी पूनम ने कहा कि पहले उन्हें टीवी देखकर पता चला था। इसी बीच पुलिस की ओर से बताया गया कि वह जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रतनलाल के भाई और परिवार के अन्य लोग दिल्ली आ गए। रतनलाल के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे जो घर का बंदा चला गया, हमें और उसके बच्चों को कौन पालेगा, कौन देखेगा? वो एक इतना ईमानदार पुलिस वाला था, उसके घर को देखो कि आज तक उसमें सीमेंट भी ढंग से नहीं लगाए। इतना ईमानदार आदमी चला गया, क्या करेंगे उसके बच्चे? जो रतनलाल जी के साथ हुआ, जब से हमने इस बारे में सुना तब से हम आंखों में आंसू है। अगर ये चीज नहीं हुआ तो हम अपने अमृतवार में पूरे धरने पर बैठ जाएंगे। रतनलाल जी बारी जो शहीद हुए थे हिंसा के अंदर, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं निवेदन करूंगा और पूरे गांव की तरफ से निवेदन करूंगा कि इनके परिवार को वो मान सम्मान दिया जाए जो इनका हक है। आज किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो इस परिवार में जो आज दुख की घड़ी है उसको मतलब सरकार से पूरा निवेदन है कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए। पहली जो हमारी मांग है वो सबसे पहले कि उस रतनलाल जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। दूसरी बात, उस परिवार को कहीं ना कहीं मतलब एक सरकारी नौकरी जो उस काबिल हो, सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उस एवज में उनके जो घरवाली है उनको एक पेंशन की जो सुविधा दी जाए, जो परिवार का गुजारा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.